लहसुन और प्याज के गिरते दामों को लेकर आज जिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस के बैनर तले दलोदा मंडी प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। किसान नेताओं ने सीएम शिवराज सरकार को अल्टीमेटम दिया कि लहसुन और प्याज की फसल को भावांतर योजना में शामिल किया जाए। देखिए रिपोर्ट। जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी धनोरा में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और लहसुन और प्याज की फसल की अर्थी निकाली गई। इस दौरान नेताओं ने जमकर भाषणबाजी की। मंडी से चौपाटी शव यात्रा पर शिवराज सरकार मुर्दाबाद और राम नाम सत्य नारे लगाए गए। लहसुन और प्याज की कम कीमतों को लेकर प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और आने वाले वक्त में मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उपज मंडी में किन किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके सरकार का एक ही रवैया है, उद्योगों को फायदा लाया जाए, छोटे मध्यम लोग उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। आज जिला किसान कांग्रेस ने चित्त स्वरूप एक प्रदर्शन किया। ये कहा गया इससे मांग है, अगर आप दाम किसान को से नहीं मिल पाते तो सरकार को ये व्यवस्था चाहिए कि उनका मूल्य पूरे आधार पर उठाना चाहिए। किस तरीके महंगाई बढ़ा रहे हैं लेकिन धान की खरीदी किसान उत्पादन सस्ते मिला जा रहा है। मैं आपके माध्यम समर्थकों के माध्यम ये सड़क को ये करना चाहता हूँ, चेतावनी देता हूँ। ये दुखी होगा किसान द्वारा हमारे रखन है, खासकर जो हमारे सबसे ज्यादा उत्पादन होती है। देश की सरकारें हमेशा की रही है कि हम अन्नदाता किसानों की आपूर्ति करेंगे, लेकिन एक तरफ तो वो आय दोगुनी करने की बात है, दूसरी तरफ तथा किसकी आय हो गई है, शून्य इसलिए हो गई कि आज आपका होगा या सुनकर तथा किसान अपनी जो खून पर कमाई गई लहसुन वो रोड की गई है, वो इसलिए फेंकी कि उसके 25-25 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से बिक रही है। तो सरकार को जगाने के लिए एक आज कांग्रेस का पट्टी यहाँ पर है, सरकार को जगाने के लिए ये आज आंदोलन है। शीघ्र किसानों ने सरकार की है तो ये मंदसौर जिला है, अब किसानों को बड़ा लंबी हुआ है 2017 में। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में अन्नदाता किसान कोई भी करेंगे। कांग्रेस द्वारा लहसुन के जो भाव में 1 रुपए से 5 किलो बिक्री है और उससे किसानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा, इसको समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस द्वारा आज दलोदा कृषि उपज मंडी में किसान कांग्रेस के माध्यम से विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया एवं सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द किसानों को लहसुन के मामले में या तो भावांतर में छोड़े और समर्थन मूल्य घोषित करे, इसके लिए धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन का वाचन किया और दालोदा चौपाटी पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मंदसौर।